फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हमारे टूम के अंदर और ये इसके चारों ओर का नज़ारा है, बाकी खूबसूरत है। और ये ईसा खान नियाज़ी का मकबरा है जो अफगानी नवाब थे और बादशाह शेर शाह सूरी के सल्तनत में एक अमीर के पद पर थे। तो फिलहाल हम ये आपको दिखाने वाले हैं, चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो इन्हें, ईसा खान नियाज़ी के बारे में। ईसा खान नियाज़ी टॉम्स पूरा इनका लिखा हुआ है। और इनका जो मकबरा है, इनके जीवन काल से पहले ही बनवाया गया था, बाद में जो मकबरा है इनके पूरे फैमिली के लिए काम आया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ईसा खान नियाज़ी के मकबरे के पास। और आप जो पीछे देख रहे हो मेरे पीछे, ये ईसा खान नियाज़ी का मकबरा है। और जो आप सामने जो पीछे मस्जिद देख रहे हो वो ईसा खान नियाज़ी की मस्जिद है। और ये इनका जो मकबरा है, इनके जीवन काल में ही बनवाया गया था। और ये जो ईसा खान नियाज़ी हैं, बादशाह शेर शाह सूरी यानी सूरी सल्तनत में, ये एक अफगानी नवाब थे जो यहाँ पर एक नवाब की पोस्ट पर काम किया करते थे। और ये जो मकबरा है मुगलिया सल्तनत से तकरीबन 100 साल पहले बना हुआ था। आप देख सकते हो इनका मकबरा भी लाल भूरा पत्थर से और काले पत्थरों से बनाया गया है। तो चलिए और आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर। दोस्तों सामने आप जो ये देख रहे हो, ये ईसा खान नियाज़ी की मस्जिद है और उधर से लाइट आ रही है तो ये इसलिए साफ़ नहीं आ रहा है। ये पत्थर जो मस्जिद जो है आप देख सकते हो, लाल ब्लू पत्थर से बनवाई गई थी उस वक्त पर, और इस पर काफ़ी कारीगरियाँ की गई हैं, देख सकते हो इसकी। अष्टकोणीय यानी आठ भुजाकार बना हुआ है, जो बादशाह शेर शाह सूरी के टाइम पर बनवाया गया था। और ये मकबरा जो है इनके जीवन से यानी जीवित अवस्था में बनवाया गया था, बाद में इनका जो मकबरा है इनके पूरे खानदान के लिए काम आया था। और यह एक फारसी स्थापत्य कला का नमूना है, आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा बना हुआ है ये। तो अभी हम आपको दिखा चुके हैं ईसा खान नियाज़ी का मकबरा, और अभी हम जा रहे हैं बादशाह हुमायूं के मकबरे की ओर। और अब आपको हुमायूं के मकबरे की वीडियो अगर आपको देखनी है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हो, और वहाँ पे आके आप लिंक पे जाकर क्लिक कर सकते हो, बादशाह हुमायूं के मकबरे की को भी देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं बादशाह हुमायूं का मकबरा।